हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कुछ खास नहीं होने वाली है, क्योंकि आज मेरे एग्जाम का लास्ट डेट है और मैं तो पहले से सोची थी कि आज का दिन मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करूँगी, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगी, उसके बाद लास्ट डेट है तो सभी लोग मज़ा करते हैं। तो मैंने भी सोचा था कि मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगी, फ्रेंड लोग के साथ मौज मस्ती करूँगी, कहीं घूमने जाऊँगी, लेकिन ये मेरा सोचना ही गलत साबित हो गया, क्योंकि मुझे रात से एक गर्ल्स प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मुझे पेट दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। मुझे तो एग्ज़ाम देने का मन भी नहीं कर रहा, मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन आज लास्ट डेट है तो मुझे किसी भी कीमत पे जाना ही होगा। मैं छोड़ नहीं सकती, नहीं तो एक एग्ज़ाम नहीं दूंगी तो मैं फेल भी हो सकती हूँ, और ये रिस्क तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ। क्यों होता है यार, नहीं होना चाहिए था ये सब। एक दिन बाद हो जाता, दो दिन बाद हो जाता, आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम है और आज ही हो गया। भला मूड ख़राब करके रख दिया, पर नहीं होता। आज मैं बहुत परेशान हूँ, एक तो पेट दर्द से मेरा जीना हराम कर दिया है, और अभी मैं रेडी भी नहीं हुई, मुझे भी रेडी होना है, फिर जाना है, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरा, लेकिन मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। क्यों होती है लड़कियों को पीरियड्स यार, मत होता, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? ये दो तीन दिन ना बहुत प्रॉब्लम्स वाली होती हैं। अरे फर्स्ट डे तो लड़की लोग को और भी रेस्ट करना चाहिए था, और ऐसे मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकने वाली हूँ, कभी ऑटो में बैठो, कभी पैदल जाओ, कभी एग्जाम दो। एक तो ऐसे ही एग्ज़ाम का इतना सारा प्रेशर है और ऊपर से इसका अलग टेंशन हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, लेकिन एग्ज़ाम ही तो देना ही पड़ेगा ना, छोड़ नहीं सकती इसको। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने। फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोग से दो मिनट में रेडी होकर। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ, देख सकते हैं आप, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है कॉलेज जाने का, सच बता रहा, लेकिन मजबूरी है तो जाना ही पड़ेगा, हर टाइम भी होता जा रहा है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे खाने वाने का मन नहीं था, बस मैंने चाय पी लिया, अब मैं निकलूँगी, मिलते हैं आपको दो मिनट में फिर से, रास्ते में बात करते जाएंगे, वैसे बात करने का मूड नहीं है बिल्कुल भी। जाते हैं सेंटर को, देखते हैं क्या होता है, आज तो मैं लेट हो चुकी हूँ। ओके ठीक, दो मिनट में। 2,000 years later. ये है मेरा कॉलेज का रूम। हम लोग एग्जाम देके बाहर निकल चुके हैं, देखिए कितना सारा क्राउड है यहाँ पे, बहुत सारे लड़के एग्जाम देने आए हुए थे। ये कॉलेज का कैंपस है। आज तो ठीक है गया, हिस्ट्री वाला बेकार गया है, बहुत बेकार। वीडियो बना रही है कहाँ बना? हिस्ट्री वाला। सो फ्रेंड्स, मैं कॉलेज से वापस घर आ चुकी हूँ, बस मैंने अभी जस्ट आया, बस कपड़े चेंज किए हैं, और सच बोलूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है, और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, तो जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, बट एग्ज़ाम था तो जाना ही पड़ेगा ना, एग्ज़ाम तो छोड़ नहीं सकती हूँ, बट कोई नहीं, आज लास्ट डेट था और एग्ज़ाम भी अच्छा है गया। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आता लड़कियों की प्रॉब्लम होती है क्यों यार, नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब जो लड़की होगी वो समझ सकती है कि ये कैसा होता है और क्यों होता है, बट कोई नहीं, अब लड़की हैं, सब कुछ बर्दाश्त करती है तो ये भी करेंगे। और रही एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम अच्छी गई, बट ठीक से मैं वीडियो नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। कोई नहीं, अगली वीडियो मैं फिर कभी लाऊंगी, और मैं इधर वीडियो बनाती भी नहीं हूँ जल्दी, कुछ देरी, मतलब 10-15 दिन हो जाते हैं तब मैं वीडियो बनाती हूँ। अभी तो मैं कॉलेज गई थी, एग्ज़ाम था, इसलिए मैं वीडियो बना ली, एक फर्स्ट डे का भी वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने कोई नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा, और ये मेरा वीडियो लास्ट वीडियो है, मतलब एग्ज़ाम का लास्ट वीडियो है, वैसे मैं वीडियो बनाती रहूँगी। और तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस आज इतना ही रखती हूँ, और मेरा हिम्मत नहीं है ना वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।